नमस्कार मित्रों, आज हम लोग आपके लिए वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जिसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा, टोमेटो पेस्ट का, पिज़्ज़ा पेस्ट का इस्तेमाल होगा, अमूल बटर का इस्तेमाल होगा, चीज़ का इस्तेमाल होगा, और आप जो चाहें वो टॉपिंग डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने शिमला मिर्च, टमाटर, पिज़्ज़ा पेस्ट, अमूल बटर सब रखी हुई है, और राइट साइड में एक पिज़्ज़ा है। इस पिज़्ज़ा को सबसे पहले हम लोग इसको जो गैस तंदूर आप देख रहे हैं उसमें, गैस तंदूर में हम लोग इसको अंदर रखेंगे हीट करने के लिए। ये जो है आप 2 से 5 मिनट रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे आप। तो अभी देखिएगा कि हम लोग कैसे इसको बना रहे हैं, देखिएगा। आपने यहाँ पे प्लेट रख दी है, उसके बाद आप ये जो पिज़्ज़ा है बेस, इसको आप रख रहे हैं, और इसको आप सीधा रखेंगे जिससे कि अपसाइड डाउन होगा, ये जो लोअर पोर्शन है उसको आप ढक देंगे और इसको चालू करिएगा। अब आपने देखा कि कैसे गैस तंदूर में हम लोग ने पिज़्ज़ा बेस को रख दिया है। अब ये पिज़्ज़ा बेस जो है इसको हम लोग 3 मिनट के बाद इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो नीचे वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा कुक हो जाएगा, बेक हो जाएगा। ये गैस तंदूर है, इसको आप अपने दूसरे बर्तन में जैसे आपके पास सुविधा हो ओवन, उस तरह से बना सकते हैं। अब ये पिज़्ज़ा में पहले मैं इसको देख लेंगे, आप इसको टर्न करके हम लोग इसमें सबसे पहले बटर लगाएंगे। ये हमारा बटर लग चुका है, अब नेक्स्ट हम लोग पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ये शिमला मिर्च लेंगे और इसको चॉपिंग करेंगे। शिमला मिर्च आप देख रहे हैं, इसको पिज्जा के ऊपर स्प्रेड कर दे रहे हैं।
अब आपने देखा है इसको गैस तंदूर को जो ओवन है उसको हमने कवर कर दिया है, उसमें हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। उसको फ्लेम जो है अभी लो फ्लेम चल रही है। अभी हम लोग चीज़ लेके इसको चीज़ को ग्रेटिंग करेंगे। चीज़ को आप घिया कस में ग्रेटिंग करके उसको चीज़ को स्प्रेड कर दीजिए। या मोजरेला चीज देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जिससे हम लोग इसको चीज को ग्रेट करेंगे। ये देख रहे हैं आपकी कैसे ग्रेटिंग कर रहे हैं चीज को, चीज ब्रेड कर रहे हैं। आपने देखा कि ये चीज़ ग्रेट हो गया है। अब इसके बाद आप इसमें ऑरिगेनो लगा सकते हैं, अगर कोई चाहे तो सॉल्ट और पेपर, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, काली मिर्च, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप चीज़ डालेंगे। अभी हम लोग ने इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करा है जिससे कि चीज प्रॉपरली मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास बाजार का चीज नहीं है तो आप घर का पनीर जो बोलते हैं कॉटेज चीज, उसको भी लगा सकते हैं। उसका स्वाद भी अच्छा आता है और वो हाइजीनिक भी है।
ये जो पीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये मोजरेला पीज है, दानेदार चीज़ है ये, तो ये पिज़्ज़ा जो है इसमें काफ़ी अच्छा बनेगा। हम लोग ने हेल्थ रीजंस के कारण इसमें कम चीज़ की मात्रा डाली है। आप लोग इसे क्वांटिटी 4 गुना भी डाल सकते हैं। तो अपना हेल्थ को ध्यान रखिए और हेल्दी वेजिटेबल पिज़्ज़ा अब रेडी होने वाला है। टिल देन जस्ट वेट एंड वॉच। अभी आपने देखा था कि हम लोग ने गैस तंदूर में हाई फ्लेम उसको कराया, तो अभी हम लोग को उसमें से थोड़ा सा मीडियम कर दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो पिज़्ज़ा अपना थोड़ा सा बर्न हो सकता है। जो नीचे हम लोग ने प्लेट रखी है पिज़्ज़ा बेस के नीचे, इसलिए रखी गई है कि नीचे का पिज़्ज़ा जो ब्रेड है वो बर्न ना हो। अभी हम लोग पिज्जा बेस अंदर से निकालने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया।